अगर आज का हम लोग हमारा टॉपिक देखते हैं तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी होती है या फिर किन मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स दे सकती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के काफी ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं, जैसे कि एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन एक टाइप का ज्यूरिसडिक्शन होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, प्रेसिडेंट जब एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट से, जिसे हम लोग एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, एंड रिट ज्यूरिसडिक्शन आल्सो। फिलहाल के लिए रिट ज्यूरिसडिक्शन हम लोग सुप्रीम कोर्ट में न लेते हुए, जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर कंप्लीट कर रहे होंगे उसमें हम लोग आर्टिकल नंबर 32 के अंडर पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज जो हम लोग दो ज्यूरिसडिक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट इट इज गोना बी द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड सेकंड इट इज गोना बी द एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। सबसे पहले हम लोग यहां पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है वो आर्टिकल नंबर 131 के अंडर आता है। जैसे कि कभी भी अगर दो सिटीजन्स के बीच में, सिटीजन वन एंड सिटीजन टू, इनके बीच में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो ऑब्वियसली जुडिशरी जो है हमारे पास एक तरीके का सोर्स होता है, एक मीडियम होता है जहां पर हम जाके अपने केसेस को, अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन दोनों के बीच में भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है तो इस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा, इस मामले में भी हम जुडिशरी की तरफ ही देखते हैं। सो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में हम उस तरीके के ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं जब किसी भी तरीके की दो गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट आता है और उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की बात आती है तो वो दोनों की दोनों गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। एट द एंड ऑफ द डे द कंक्लूजन कम्स आउट लाइक दिस कि अगर देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स देन सुप्रीम कोर्ट हैज द ज्यूरिसडिक्शन power to solve those disputes and this jurisdiction power of Supreme Court is known as original jurisdiction. अब यहाँ पर basically आपको तीन तरीके के cases दिखने मिलते हैं कि किस तरीके के जो disputes हैं governments के बीच में वो solve होते हैं। Number one, मान लीजिए अगर central government और state government के बीच में किसी भी तरीके का dispute है, example के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं that if there is a dispute between central government एंड मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, सो इनके बीच का जो डिस्प्यूट रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा एंड सुप्रीम कोर्ट जो इस पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन देगा वो फाइनल माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्प्यूट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन गोइंग ऑन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में जो डिस्प्यूट है, जो किसी भी चीज को लेकर जो झगड़ा चल रहा है, तो ये दोनों स्टेट भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाते हैं अपनी डिस्प्यूट्स या फिर अपनी प्रॉब्लम को लेकर, तो ये वाला जो डिस्प्यूट है ये भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर ही आता है। एक तीसरा केस अगेन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है। यहां पर हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं इस केस को। मान लीजिए दो पार्टीज हैं, पार्टी नंबर वन एंड पार्टी नंबर टू। पार्टी नंबर वन में सेंट्रल गवर्नमेंट एक साइड है और सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में कोई एक स्टेट गवर्नमेंट खड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गुजरात गवर्नमेंट, ये एक साइड पे खड़े हैं और दूसरे साइड पे दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स खड़ी हैं, यानी कि दूसरे साइड पे खड़े हैं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट एंड छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट। सो ये आपका एक तीसरे तरीके का केस हो गया कि एक साइड पे सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात की गवर्नमेंट है, दूसरे साइड पे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट एंड छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के बीच का जो डिस्प्यूट होता है उसको जब सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करती है तो उसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। लेकिन हर तरीके के डिस्प्यूट्स यहां पर सॉल्व नहीं किए जा सकते, यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर देखें, पहला एक्सेप्शन आता है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड मैटर। सी, हम सभी लोगों को पता है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो आर्टिकल नंबर 280 के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। अगर हम लोग बेसिकली सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की बात करें सो वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 280, एंड अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें सो वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 243 क्लॉज आई, राइट। तो जो फाइनेंस कमीशन होती है उसका बेसिकली मेन काम ये होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो बेसिकली कलेक्ट होते हैं, तो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किया जाएगा, इसका फाइनल डिसीजन फाइनेंस कमीशन लेती है। तो अगर कोई भी ऐसा मैटर होता है जो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती और ये कहती है कि ये फाइनेंस कमीशन का ही मैटर है, सो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर नहीं आ सकता और इस पे फाइनल डिसीजन किसका रहता है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कमीशन का ही रहता है। दूसरे तरीके का जो केस है, अगर कोई ऑर्डिनरी डिस्प्यूट है किसी कमर्शियल नेचर को लेकर, पैसे से रिलेटेड कोई बात है और बहुत ऑर्डिनरी डिस्प्यूट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे भी इग्नोर करना पसंद करती है। यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। हम सभी को पता है कि नदियों के पानी को लेकर और नदियों की घाटियों यानी वैलीज को लेकर बहुत ज्यादा झगड़े चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जैसे कावेरी रिवर्स को लेकर या फिर नर्मदा को लेकर या फिर कृष्णा या फिर गोदावरी या महानदी रिवर को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट चलते हैं। तो इस डिस्प्यूट को भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता। इसके लिए हमारे पास अलग से आर्टिकल नंबर 262 एंड आर्टिकल नंबर 263 में जो बेसिकली रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है वो बनाया गया है। कुछ साल पहले तक ऐसा होता था कि हर नदी के लिए एक अलग अलग रिवर वाटर डिस्प्यूट पैनल बनाया जाता था, लेकिन अभी पिछले साल करंट अफेयर्स की न्यूज में हम सभी ने पढ़ा है कि जो अलग अलग पैनल है इन सबको खत्म किया जाएगा और इनके लिए एक इंडिविजुअल ओनली सिंगुलर फॉर्म पैनल बना दिया जाएगा। वो एक ही पैनल सारी की सारी रिवर्स का जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका सॉल्यूशन दे रखा है और इस पैनल का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। सो दिस पॉइंट आल्सो डज नॉट कम अंडर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट देखते हैं विच इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी अग्रीमेंट एंगेजमेंट एक्सेट्रा, तो मतलब कि कोई एक ऐसा अग्रीमेंट अगर हो रखा है गवर्नमेंट्स के बीच में पहले से, काम शुरू होने से पहले ही अगर अग्रीमेंट हो रखा है कि भाई हम ये दो स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम कर रही है, उसमें अग्रीमेंट हो रखा है, उसमें पहले से लिखा है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम आपस में ही सॉल्व करेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, तो उस तरीके के अग्रीमेंट में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता। कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी होती है या फिर ऑलरेडी गवर्नमेंट का एंगेजमेंट अगर एक दूसरे के साथ हो रखा हो तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट इज लाइक आप लोगों ने पहले ही अग्रीमेंट किया हुआ है, सो आप लोग अपना मैटर अपना डिस्प्यूट अपने लेवल पे ही सॉल्व करिए, राइट। ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेसिकली अपने एपिलेट जुरिसडिक्शन पे। एपिलेट जुरिसडिक्शन के बारे में हम सभी को पता है, बेसिकली जब हम कहते हैं ना कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई केस हार जाते हैं तो हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट में अगर कोई केस हार जाते हैं तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपील करने के लिए। तो हाई कोर्ट से जो केसेस अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उन जुरिसडिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एपिलेट जुरिसडिक्शन कहते हैं। एपिलेट जुरिसडिक्शन में आपको यहां पर तीन पॉइंट्स मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के, सिविल मैटर्स के और क्रिमिनल मैटर्स के। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का मतलब क्या होता है, सी कई बार ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, कुछ क्लॉजेस होते हैं जिनके बारे में कंफ्यूजन रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 147 के अंडर इंटरप्रिटेशन भी करता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई ऐसी चीज है जो हमें समझ में नहीं आ रही है या फिर उसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलना चाहिए या फिर वो पर्टिकुलर आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है उसको कि इसका एक्चुअली में मतलब क्या है। तो इस तरीके के मैटर्स को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के नाम से जानते हैं। जब भी हाई कोर्ट में कोई ऐसा केस आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो डिसीजन है या जजमेंट है अगर उसे हाई कोर्ट से हटाकर ऊपर ले जाकर अपील के द्वारा, अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जाता है तो उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एपिलेट जुरिसडिक्शन कहते हैं। दूसरी चीज यहां पर हम लोग देखते हैं सिविल मैटर्स। सी सिविल केस और क्रिमिनल केस दो तरीके के केसेस होते हैं। क्रिमिनल केस ऑब्वियसली जिसमें बेसिकली क्राइम इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मर्डर हो गया, हाफ मर्डर हो गया, चोरी डकैती हो गई, रॉबरी हो गई वगैरह वगैरह। लेकिन जो सिविल मैटर होता है वो भी केसेस होते हैं लेकिन उसमें किसी तरीके का बेसिकली आपको क्राइम नजर नहीं आता। सिविल केसेस का मतलब जैसे मैरिज का मैटर हो गया, डिवोर्स का मैटर हो गया या फिर प्रॉपर्टी का मैटर हो गया, इस तरीके के जो मैटर्स होते हैं लाइक जिसे हम लोग कहते हैं जर जमीन और जोरू, इस तरीके के जो मैटर्स होते हैं वो सिविल मैटर्स के अंडर आते हैं, राइट। सिविल मैटर में भी अगर हाई कोर्ट से अगर आप केस हार चुके हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सी पहले क्या होता था सिविल मैटर में एक लिमिट रखी गई थी 20,000 रुपीज की। ये लिमिट का क्या मतलब था, इस लिमिट का ये मतलब था 20,000 रुपए का कि अगर आपको किसी भी सिविल मैटर को अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट लेके जाना है तो वो जो सिविल मैटर जिस प्रॉपर्टी पर चल रहा है या फिर किसी भी पैसे से रिलेटेड मैटर पर चल रहा है तो उसकी मिनिमम जो वैल्यू है वो 20,000 रुपीज होनी ही चाहिए। लेकिन ये जो 20,000 रुपीज की वैल्यू है उसे 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1972 से हटा दिया गया। बाद में इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यह कहा गया कि वो सिविल मैटर में पैसा कितना इन्वॉल्व है वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो जो सिविल मैटर है वो किस तरीके का जजमेंट या डिसीजन दे सकता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब सिविल मैटर में आप केसेस को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें आपको हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको अपील करनी है तो, राइट। तीसरा आते हैं हम लोग क्रिमिनल मैटर्स में। सी क्रिमिनल मैटर्स में अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको दो ईरा देखने को मिलते हैं, 1970 से पहले का ईरा और 1970 के बाद का ईरा। 1970 के ईरा में बेसिकली क्या होता था कि अगर किसी भी
पर्सन को हाई कोर्ट में अगर कैपिटल पनिशमेंट मिली है, अगर उसे कैपिटल पनिशमेंट मिली है, या फिर अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, यानी हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तभी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। लेकिन 1970 के बाद पार्लियामेंट ने इसमें चेंजेस लाए और पार्लियामेंट ने ये कहा 1970 के बाद कि अगर किसी पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट मिली है हाई कोर्ट से तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके अलावा ये कहा कि अगर किसी को इम्प्रिजमेंट हो रहा है, जेल हो रही है, कितने टाइम पीरियड के लिए, 10 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए, तब भी बेसिकली उसे सुप्रीम कोर्ट में जाने की अथॉरिटी दी जाती है। और तीसरा, अगर हाई कोर्ट खुद से होकर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दे तब तो उसे सुप्रीम कोर्ट केस को भेजा ही जा सकता है। इस तरीके के और बेसिकली जुरिस्डिक्शन है, जैसे आप एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी एक जुरिस्डिक्शन होता है, इसके अलावा कुछ और जुरिस्डिक्शन है। अगर आप इसके अलावा के और जुरिस्डिक्शन पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन एक्चुअली सब्सक्राइब टू चहल अकेडमी यूट्यूब चैनल, जो करंट अफेयर की हमारी सीरीज है, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स हो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स हो, या फिर हमारी जो मंथली मैगजीन हो। अगर आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं आप चहल अकेडमी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और इन जुरिस्डिक्शंस को अगर आपको और डिटेल में नोट्स के साथ और फैकल्टीज के साथ समझना है, सो यू कैन एक्चुअली विजिट चहल एकेडमी, दी हेड ब्रांच इन दिल्ली। इसके अलावा वी हैव 24 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन विजिट चहल एकेडमी और यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।